पेरिस शांति सम्मेलन 1919, पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस जो है ये आपका क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आखिर क्यों हुआ, हम लोग आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो पेरिस शांति सम्मेलन। बट उससे पहले मैं आप लोग से बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए पेरिस शांति सम्मेलन जो है ये आपका कब हुआ, तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड के होने के बाद जो है एक जो है आपका कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस में, इसीलिए जो है इसे पेरिस शांति सम्मेलन नाम दिया गया। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के साथ जो है पेरिस शांति सम्मेलन किया, है ना, मित्र राष्ट्रों ने जो है धुरी राष्ट्रों के साथ ये पेरिस शांति सम्मेलन किया था। मित्र राष्ट्र मतलब अलाइंस पावर और धुरी राष्ट्र सेंट्रल पावर। इस सम्मेलन में जो है विजय राष्ट्रों ने भाग लिया था, इस सम्मेलन में जो है विजय राष्ट्र भाग लिए थे। नॉर्मल सी बात है कि जो देश विजयी रहेगा दबदबा उसी का रहेगा, उसी का बोलबाला रहेगा और वो जो जिस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करना चाहेगा, जिस तरीके से डिसीजन करना चाहेगा वो कर सकता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसू और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो जो है इस पेरिस शांति सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए थे और ये अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। शांति सम्मेलन में विजय देश शामिल हुए थे, इसलिए इस सम्मेलन को विजय देशों का मंच कहा जाता है। अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि किस सम्मेलन को विजय देशों का मंच कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो पेरिस शांति सम्मेलन, कि पेरिस शांति सम्मेलन के को जो है विजय देशों का मंच कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है कितने देश शामिल हुए थे, तो 32 जो है कंट्री जो है इस सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। पेरिस शांति सम्मेलन जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसीलिए जो इसका नाम भी जो है पेरिस शांति सम्मेलन पड़ा था। अब हम लोग जान लेते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन का जो है कार्यकाल जो है वो क्या था, मतलब कि जो है इसको जो है इस शांति सम्मेलन को करने में जो है कितना समय लगा था। तो देखिए ये जो सम्मेलन जो है आपका 8 जनवरी 1919 को जो है यह सम्मेलन जो है औपचारिक रूप से जो इसका उद्घाटन किया गया था और फ्रांस के जो गणराज्य के राष्ट्रपति है ना पुआकार थे, है ना, यहाँ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है आपका, पुआकार ने जो है इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया था और मित्र राष्ट्र और विभिन्न देशों के साथ जो है शांति संधि करने में जो है पूरे 5 साल लग गए थे, है ना, कितने साल लगे थे, तो 5 साल लग गए थे इस शांति सम्मेलन को पूरे तरीके से जो है समाप्त करने में। मतलब कि मित्र राष्ट्र जो और देशों के साथ जो शांति ट्रीटी करना चाहते थे उसको करने में जो है उन्हें 5 साल लग गए थे। अब हम लोग जानते हैं कि इस शांति सम्मेलन में जो है किस तरीके का जो है डिसीजन लिया गया था, क्या क्या जो है कौन कौन सी ट्रीटियाँ की गई थी और आखिर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आखिर इसके डिसीजन के कारण ही क्यों हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो है डिसीजन लिया गया कि लीग ऑफ नेशन का जो है फॉर्मेशन किया जाएगा, ना, राष्ट्र संघ का जो है निर्माण करने का जो है निर्णय लिया गया। इसके बाद जो है क्या है कि तथा जो है पराजित जो देश थे उनके साथ जो है शांतिपूर्ण संधि करने में, है ना, 6 शांतिपूर्ण संधियां की गई थी। इस पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे पहला डिसीजन लिया गया था कि एक राष्ट्र संघ का जो है फॉर्मेशन किया जाएगा और ये राष्ट्र संघ जो है किस लिए, तो पीस के लिए, ताकि दूसरा वार जो है फिर से जो है ये वर्ल्ड वार ना हो, इस व्यू से जो है आपका राष्ट्र संघ का जो है निर्माण करने का जो है डिसीजन लिया गया, है ना। इसके बारे में जो है प्रिफर कौन किया था, तो वुड्रो विल्सन जो है उन्होंने जो है इसके बारे में जो है अपने 14 सूत्री सिद्धांत में जो है इसके बारे में कहा था। वुड्रो विल्सन पे जो है आपका एक अलग से जो है वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप उनके बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर जो है पेरिस शांति सम्मेलन से पहले जो वुड्रो विल्सन ने जो अपने 14 सूत्री सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया था वो जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से जो है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो संधि हुई थी वो आपका वर्साई की संधि हुई थी। ये वर्साई की संधि जो है आपका 28 जून 1919 को जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वर्साई के राजमहल में मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी के बीच हुई थी। वर्साई की संधि को ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है कहा जाता है, कि वर्साई की संधि की वजह से ही जो है आपका सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो आखिर क्यों, तो वर्साई की संधि
जो है वो जर्मनी के साथ की गई थी, और जर्मनी को जो है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है पूरे तरीके से जो है अपंग बना दिया गया था, पूरे तरीके से जो है कंट्रोल कर लिया गया था, उसके पावर को जो है उससे छीन लिया गया था। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी के पावर को जो है छीन लिया जाएगा तो वो कितने समय तक बर्दाश्त करेगा, कभी ना कभी तो है उसका अपोज करेगा। और फाइनली यही हुआ, जब हिटलर जब जर्मनी का सम्राट बना तो वो जो है धीरे धीरे करके जो है आपका जो है वर्साय की संधियों का जो है उल्लंघन करता गया, और इसी के वजह से जो आपका सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो वर्साय की संधि का जो है भी जो है आपका एक अलग से स्पेशल वीडियो बना हुआ है, कि वर्साय की संधि को जो है पूरे डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक जो है आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजी वे में जो है आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट संधि जो हुई थी वो सेंट जर्मन की संधि हुई थी। सेंट जर्मन की संधि जो है ये ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, है ना। सेंट जर्मन की संधि जो है ये ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, क्योंकि जो है ये पेरिस के पास सेंट जर्मन में हुई थी, इसलिए जो है इस ट्रीटी को जो है सेंट जर्मन की संधि के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, तो 10 सितंबर 1919 को जो है आपका ये मित्र राष्ट्र और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका है न्यूलिया की संधि, है ना। न्यूलिया की संधि जो है ये किसके बीच हुई थी, तो देखिए ये है 27 नवंबर 1919 को मित्र राष्ट्र एवं बल्गारिया के बीच हुई थी, है ना। ये संधि जो है आपका बल्गारिया के बीच हुई थी, और बल्गारिया के साथ जो है हुई थी, इसमें जो है जो उसकी सेनाएं थी उसको जो है सीमित करने के लिए कहा गया था, प्लस युद्ध में जो हर्जाना हुआ था उसको जो है किस्तों में जो है उसे पे करने के लिए जो है दिया गया, मतलब कि इस ट्रीटी में जो है उससे जो है एग्रीमेंट करवाया गया। फिर जो है आपका ट्रियानो की संधि, ट्रियानो की संधि जो है ये कब हुई थी, तो ये जो है आपका 4 जून 1920 को हुई थी मित्र राष्ट्र एवं हंगरी के बीच, है ना। ये जो है आपका मित्र राष्ट्र एवं हंगरी के बीच हुई थी, और इसके इस संधि के अनुसार जो है जर्मन जो आपका कहा गया कि मोटे तौर पे जो ये निर्णय लिया गया था कि जर्मनी के जो पूर्वी सीमांत जो की जो क्षेत्र हैं वो हंगरी को जो है दे दी जाए, इस जो है इस डिसीजन आपका ट्रियानो की संधि में ये डिसीजन लिया गया था। जो है आपका श्रेवो की संधि में जो है आपका ये जो है आपका 10 अगस्त 1920 को जो है मित्र राष्ट्र एवं तुर्की के बीच हुई थी, है ना। ये जो है आपका संधि जो है ये तुर्की के बीच हुई थी, और इसमें जो है आपका अर्मानिया जो था उसको जो है स्वतंत्र कर दिया गया था, तुर्की जो थे उसे जो है उनको जो है कुछ पावर दे दिया गया था, लेकिन जो है इस संधि से जो है मुस्तफा कलाम पाशा जो थे वो इसको स्वीकार नहीं किए थे, है ना। ये जो आपका सरवा की जो संधि थी, जो मुस्तफा कलाम पाशा जो थे वो जो है इस संधि को स्वीकार नहीं किए थे। कुछ जो है अधिकार तुर्की को दिया गया था, लेकिन जो है बहुत तरीके से जो उसे भी जो है बांध दिया गया था। फिर है आपका एक है लोहाना की संधि, है ना। ये लोहाना की संधि जो है ये आपका अब इसके दौरान जो है कुछ डिसीजन लिए गए थे कि इस संधि के अनुसार जो है पूर्वी जो है ड्रेस स्मार्ट आपका नहीं थ्रेस होगा यहाँ पे, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आप जो है इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं जो है इसे आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो है आपका थ्रेश और फिर शमारना जो था, स्मार्ट नहीं होगा, शमारना जो है वह, और जो है अर्मानिया ये टर्की को जो है लौटा दिए गए थे, है ना। फिर अनातालिया जो था उस पर फिर टर्की को पूर्ण रूप से जो है उसकी सत्ता मान ली गई थी। तो इस तरीके के डिसीजन जो है आपके पेरिस शांति सम्मेलन में लिए गए थे, और इसको जो है कंप्लीट करने में जो है 5 ईयर लगे थे, है ना। 5 ईयर लग गया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन की वजह से जो है आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है क्यों हुआ, तो यहाँ सीधा सीधी हमें समझना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साय, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साय की वजह से ही जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपका क्रिएट हुआ था। जर्मनी का जो है एक अपमानजनक संधि जो है उसे साइन करना पड़ा था, और जर्मनी ने जब इस ट्रीटी को साइन किया था तो उसे पूरे तरीके से जो है उसे बांध दिया गया था, हर जितने भी पावरफुल जितना वो पावरफुल था उतना ही जो है उसे कमज़ोर बना दिया गया था, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो पेरिस शांति सम्मेलन पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।